तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि 3 ब्लॉक्स हैं। अब 6 kg, 4 kg और 2 kg के अलग अलग ब्लॉक्स हैं। एक 6 का, एक 4 का, एक 2 का है और एक स्ट्रिंग से सपोर्ट है शोन इन फिगर। देन टेंशन 4 kg और 2 kg वाले ब्लॉक के बीच। तो देखो 4 kg और 2 kg वाले ब्लॉक का ए है, ठीक है ना, ये वाली स्ट्रिंग। इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? चलो मान लेते हैं टी होगा। तो देखो इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालने की तुम 4 kg और 2 kg वाले का सबका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो। तो मैं 2 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। सिस्टम फ्री फॉल है, मतलब तीनों ब्लॉक ए इक्वल टू जी से नीचे गिरे, 9.8 m/s² से नीचे फॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो ये 2 kg वाला ब्लॉक है। 2 kg वाले पर अगर फोर्स देखोगे तो 2 kg वाले पर टेंशन ऊपर लगेगा यहाँ पे जो हमें चाहिए, और नीचे लगेगा एम जी। अगर इसका मास 2 है, जी की वैल्यू 10 ले लूँ तो 20 N होगा। और ये नीचे गिर रहा है कितने एक्सलेशन से? जी से, ठीक है ना, जो कि ये है। तो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूँ तो क्या बनेगा? एम जी माइनस टी इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक एक्सलेशन। तो 20 - t इज इक्वल टू एम, और ए की वैल्यू जी है। तो यहाँ से 20 - t इज इक्वल टू एम जी की वैल्यू 20, तो टी की वैल्यू इतनी आ जाएगी 0। तो इस वाले स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो 0 दिखेगी, जो कि ए ऑप्शन सही बन जाता है। थैंक यू।